हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के बारे में। तो डायरेक्टली डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसमें जंप करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं या ये जानते हैं कि जो फूड होता है एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। हर एक जीवित चीज़ को क्या चाहिए, खाना चाहिए, ताकि वो अपने बॉडी के अंदर हर एक वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कर पाए। क्यों? क्योंकि जो फूड होता है वही हमें बेसिक एनर्जी प्रोवाइड करता है कि हम अपने हर एक काम को उस एनर्जी से कर सके। यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, जो हमारा रिब केज इन्वॉल्व होता है, हमारा लंग्स इन्वॉल्व होता है, हमारा डायफ्राम जो ब्रीदिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, हर एक छोटी से छोटी मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और इस एनर्जी को प्रोवाइड कौन करता है, वही खाना जो हम खाते हैं। फूड का जो मेजर कॉम्पोनेंट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और मिनरल्स और विटामिन जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी तो होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में हमारे बॉडी के अंदर काम करता है। जो फूड है वो जैसा कि मैंने कहा कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोवाइड करता है जो हमारे ग्रोथ के लिए मदद करता है। और किसी भी बॉडी के टिश्यू में अगर डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी यही फूड हमारी मदद करता है। फूड में हम इंक्लूड करते हैं वाटर को भी। क्यों? क्योंकि पानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उसमें पानी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। प्लस हम ये जानते हैं कि पानी हमारी बॉडी को क्या करता है, हाइड्रेट करके रखता है, डिहाइड्रेशन होने नहीं देता है। अब जिस फूड की हम बात कर रहे हैं, जो हम एज अ होल इनटेक करते हैं, इस फूड को हम कहते हैं कि ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। और ये जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जो फूड में है, ये डायरेक्टली हमारा बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हमारे फूड में होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसको हम बोल सकते हैं, ये डायरेक्टली हमारा बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं करता है एनर्जी जनरेट करने के लिए या किसी भी दूसरे फंक्शन के लिए। इसीलिए क्या करना है, इन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो इस बायो मैक्रो मॉलिक्यूल को या कॉम्प्लेक्स बायो मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना इनटू सिंपल सब्सटेंस या स्मॉलर सब्सटेंसेस, तो इसको ये करने में कौन मदद करेगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस काम में हमारी मदद करता है। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का कन्वर्जन हो रहा है इनटू सिंपल फॉर्म, जो कि हमारा बॉडी उसको आसानी से डाइजेस्ट कर पाए। अब इसके आगे हम लोग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रोल होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम मदद करता है कॉम्प्लेक्स बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि हमारा बॉडी उसको रेडिली अब्सॉर्ब कर पाए, ताकि वो एनर्जी हमारी बॉडी जनरेट कर पाए जिससे हमारा वेरियस फंक्शंस हो सके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली हम कह सकते हैं कि दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो कि एलिमेंट्री कैनाल को हेल्प करेगा पूरे डाइजेशन के प्रोसेस को इजीली एंड स्मूथली एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करने के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिमेंट्री कनाल के बारे में। जो एलिमेंट्री कनाल होता है इसकी शुरुआत होती है या ये बिगिन करता है विथ एन एंटीरियर ओपनिंग। जो सबसे पहली ओपनिंग हम एलिमेंट्री कनाल में देखते हैं वो है हमारा माउथ, और ये पोस्टीरियरली ओपन करता है थ्रू एनस। यानी कि एंटायर एलिमेंट्री कैनाल में हम दो ओपनिंग देखेंगे, पहला जिसको हम एंटीरियर ओपनिंग बोल रहे हैं जो माउथ है, और आखिरी जो कि पोस्टीरियर ओपनिंग है जिसे हम कह रहे हैं एनस। अब अगर हम माउथ की बात करें, क्योंकि ये शुरुआत है एलिमेंट्री कैनाल का, तो माउथ लीड करता है इनटू बकल कैविटी। बकल कैविटी जिसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं,
और जब हम बेसिकली इस ओरल कैविटी की बात करें तो इसमें हम नंबर ऑफ टीथ देखते हैं, एक मस्कुलर टंग भी हम इसमें देखते हैं। जब हम टीथ की बात करते हैं तो ये दांत जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं इनटू जॉ बोन्स। जॉ बोन में बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जो दांत है वो सॉकेट में बैठा हुआ है, जॉ बोन के सॉकेट में बैठा हुआ है। और इस तरह का जो अरेंजमेंट हम देखते हैं, इस अटैचमेंट को जो हम देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं थीकोडोंट। अगर हम मैमल्स की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स जो हम देखेंगे लैंड में, इसमें ह्यूमन बीइंग्स भी इंक्लूड होते हैं, तो इनमें हम क्या देखते हैं कि दो सेट दांत का हम देखेंगे ड्यूरिंग एंटायर लाइफ स्पैन। पहला सेट जो दांत का हम ह्यूमंस में देखते हैं उसको हम कहते हैं टेम्पररी टीथ, या इसको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, या इसको हम डेसीडुअस टीथ भी कहते हैं। अब ये जो टेम्पररी मिल्क या डेसीडुअस टीथ है, ये रिप्लेस किया जाता है बाय अ परमानेंट सेट ऑफ टीथ, या हम इसको बोल सकते हैं परमानेंट सेट ऑफ एडल्ट टीथ। और इस टाइप के डेंटाइशन को हम कहेंगे डाइफायोडोंट। एक एडल्ट ह्यूमन में हम 32 परमानेंट टीथ देखते हैं और ये चार अलग अलग तरह के होते हैं। चार अलग अलग तरह के हैं इसीलिए इसको हम कहते हैं हेट्रोडोंट डेंटाइशन। और ये किन किन तरह के हैं? इंसाइसर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर। और जब हम इन चारों का अरेंजमेंट देखते हैं ऊपर और नीचे के जॉ में, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सबसे आगे में हमारा होगा इंसाइसर्स, सेकंड उसके बाद हम देखेंगे कैनाइन्स, उसके बाद आएगा प्रीमोलर्स और फिर आखिरी में आएगा मोलर्स। अब ये जो अरेंजमेंट है, ये जो ऑर्डर है जिस ऑर्डर में सारे अलग अलग टाइप के दांत हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ डेंटल फॉर्मूला। और ये डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2-1-2-3 by 2-1-2-3। मतलब इंसिसर्स दो होंगे, कैनाइन एक होगा, प्रीमोलर्स दो होगा और मोलर तीन होगा। ये हम दोनों ऊपर और नीचे के जॉ में देख सकते हैं। अब जब हम लोग दांत की बात करते हैं, टीथ की बात करते हैं, तो इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग जैसी चीज होती है जो हेल्प करता है खाना को चबाने में, इसको हम कहते हैं इनामल। कहने का मतलब यही है कि जो हार्ड च्यूई सरफेस होता है हमारे दांत का, वो इनामल का बना हुआ होता है और यही हेल्प करता है हमारे खाने को च्यू करने के लिए, जिसको हम मैस्टिकेशन कहते हैं। फिर हमारे बकल कैविटी में एक टंग होता है जिसको हम जीभ बोलते हैं। ये एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ओरल कैविटी के फ्लोर पर अटैच होता है, और टंग को ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच करने के लिए करने में हेल्प करता है फ्रेन्यूलम। जो टंग का अपर सरफेस होता है, इसमें स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। इन स्मॉल प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं पैपिले, और इन पैपिले में प्रेजेंट होता है टेस्ट बड्स। जब हम ओरल कैविटी की बात करते हैं कि ये आगे कहाँ ओपन करता है या कहाँ लीड करता है, तो हम क्या देखते हैं कि जो ओरल कैविटी है इट लीड्स इनटू या लीड्स टू फैरिंग्स। अब ये फैरिंग्स क्या है? ये एक कॉमन पैसेज है दोनों फूड एंड एयर के लिए। ये जो ईसोफेगस है, जो ईसोफेगस हम बोल रहे हैं और जो ट्रैकिया हम कह रहे हैं, ईसोफेगस बेसिकली होता है हमारा फूड के लिए, ईसोफेगस फॉर फूड एंड ट्रैकिया फॉर एयर। तो ये जो ईसोफेगस और ट्रैकिया है, ये आगे जाकर फैरिंग्स में खुल जाएगा। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या कह रहे थे कि जो ओरल कैविटी होगा इट लीड्स टू फैरिंग्स, तो यहां पर हम लिख देंगे स्मॉल फैरिंग्स। जो मेन फैरिंग्स है उसमें एंटर करने के ठीक पहले जो एक रीजन आएगा उसको हम बोलेंगे शॉर्ट फैरिंग्स या स्मॉल फैरिंग्स। और यही जो एरिया है, यही जो रीजन है, ये एक कॉमन पैसेज बनाता है फॉर बोथ फूड एंड एयर। इसके बाद जब ईसोफेगस एंड ट्रैकिया आगे जाकर
जो मेन फेरिंग्स का रीजन है यहाँ पर पहुंचता है, तब जाकर ये दो अलग अलग हो जाते हैं। अब हम आगे क्या देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे हैं एपिग्लॉटिस। ये जो एपिग्लॉटिस है ठीक ग्लॉटिस के ओपनिंग पर एक ढक्कन की तरह प्रेजेंट होता है। अब ये एपिग्लॉटिस का क्या काम है? ये प्रिवेंट करता है फूड को ग्लॉटिस के अंदर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो ग्लॉटिस है वो विंड पाइप या विंड पाइप ही है एक तरह से, जो कि लीड करेगा इनटू लंग्स। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा खाना लंग्स में चला जाए, तो यहाँ पर ये एपिग्लॉटिस है, ये गार्ड की तरह काम करता है। इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। आगे जब हम देखते हैं कि ये जो ईसोफेगस है, ये एक लंबा ट्यूब है, एक थिन ट्यूब है, जो कि प्रोसीड करता है पोस्टीरियरली और ये पास करता है गले से, थोरैक्स से और डायफ्राम से होते हुए ये पहुंच जाता है टू अ जे शेप्ड बैग कॉल्ड एज स्टमक। तो स्टमक को जे शेप्ड बैग क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जे के शेप की तरह होता है। अब अगर हम स्टमक और ईसोफेगस के अटैचमेंट की बात करें, यानी कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ईसोफेगस जिस रीजन पर स्टमक में ओपन करेगा, इसको भी रेगुलेट करना जरूरी है। तो इस ओपनिंग को रेगुलेट कौन करता है? एक मस्कुलर स्फिंक्टर, जिसको हम कह रहे हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये हेल्प करता है, रेगुलेट करता है कि ईसोफेगस से होता हुआ जो खाना आ रहा है वो स्टमक में अच्छी तरह से आ जाए।